हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों देखो, आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम में अंग्रेजी का जो पेपर में फर्स्ट 20 एमसीक्यूज आएंगे उस पर तो चलो करवा ही देंगे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो मैं लेके आ गया हूँ, उस तरीके का मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ। देखो, एमसीक्यू आप तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपका चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो तो हो ही जाएगा। अब आते हैं बाकी चीज़ों पर। सबसे पहले आता है रीडिंग पोर्शन। आपको एक पैसेज मिलेगा जिसको अच्छे से रीड करना है। टेक्निक क्या होती है, जब बच्चे क्वेश्चन पेपर मिलते हैं ना, वो फट से पैसेज रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बेवकूफ़ी बड़ी हरकतें होती हैं। सबसे पहले आपको पैसेज रीड नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या रीड करना है, क्वेश्चन। इन विच एनुअल इवेंट वॉज द राइटर इंटरेस्टेड, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। वाई वॉज इट इट इज़ अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, व्हाट वॉज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर, वट डिड ही नॉट रियलाइज देन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन अ रियल इमेजिंड कॉज फॉर कंप्लेन स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। और उसके बाद फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ अर्लियर, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा ना, इन क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता लगेगा कि जब आप पैसेज पढ़ोगे तो इनका आंसर कहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब हमें पैसेज पढ़ना आराम से। बट मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल्स आई वॉज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल इवेंट इन विच आई प्लेड द सेंट्रल पार्ट द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थ, ठीक है, मतलब बर्थडे। दिस इज वॉज द डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी। अर्ली इन द मॉर्निंग आई वॉज वेट इन अ ह्यूज बैलेंस अगेंस्ट some bags full of wheat and other articles which were then distributed to the poor and there. I arrayed myself in a new clothes and received presents and later in the day there was a party. I felt the hero of this occasion. My chief grievance was that my birthday came so rarely. Indeed, I tried to start an agitation for more frequent birthdays. I did not realize then that a time would come when birthday would become unpleasant reminders of advancing age. ठीक है, एक टाइम पे ऐसा आता है कि आप अपने बर्थडे से ही इरीटेट होने लगे, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो आपको फिर डर, अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, फिर आपको वो चीज़ एहसास होती है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, इन विच एनुअल इवेंट वॉज द राइटर इंटरेस्टेड, किस इवेंट पर राइटर को इंटरेस्टेड होता था, अपने बर्थडे पर। वाई वॉज इट इज़ अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, द राइटर इंटरेस्टेड इन द सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थडे एनिवर्सरी। इट वॉज अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम, ही फेल्ट लाइक अ हीरो ऑफ द ओकेजन, ठीक है, यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वट वॉज द मेन grievance of the writer, what did he not realize then, ठीक है, उसने उस टाइम पे क्या रियलाइज नहीं किया था। द मेन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर वॉज हिज बर्थ डे कम सो रेयरली, ही डिड नॉट रियलाइज देन दैट अ टाइम वुड कम वेन बर्थडे वुड बिकम अनप्लेजेंट रिमाइंडर्स ऑफ एडवांसिंग एज। ये सेकेंड का आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला आपसे क्या पूछा है, थर्ड वाला पूछा है, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अ रियल और इमेजिंड कॉज फॉर कंप्लेंट स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। तो इसका क्या होगा, इसका होगा ग्रीवेंस, यहाँ पर लिखा होगा ग्रीवेंस, ठीक है, वो इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड इन पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ अर्लियर, अपोजिट का अर्लियर क्या होता है, लेटर। अर्लियर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। फिर आपको क्या लिखना होगा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट ऑन बर्थडे, ठीक है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है और यह है वीडियो का कंटेंट, इसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक। और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर क्लास फेलो, ठीक है। या फिर आपको बोलेगा, राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल 60-80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो, ठीक है। आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, जो कि 60-80 वर्ड्स का, यानी कि एक पेज लिखना है आपको, जिनमें ये टॉपिक कवर्ड होने चाहिए। मैंने इट वॉज सेलिब्रेटेड प्रेजेंटेशन गेम्स एंड स्पोर्ट कल्चरल प्रोग्राम्स अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, ठीक है। उसके बाद
स्पीच बाय द चीफ गेस्ट एंड कंक्लूजन। देखो ये एक्चुअली 6 नंबर का है और यहाँ पे बोल रहा है कि 60 से 80 वर्ड लिखना। 60 से 80 वर्ड एक पेज में ही आता है, लेकिन अगर एक पेज में ये सारे टॉपिक आएंगे भी नहीं तो कम से कम आपको 1.5 से 2 पेज लिखना पड़ेगा 6 नंबर पाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन के आधार पर, नंबरों के आधार पर हमें ये सब लिखना पड़ता है। फिर आप या फिर राइट अ पैराग्राफ ऑन योर विजिट टू अ फेयर इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। आपको एक फेयर में आप गए थे, ठीक है ना, उस पर आपको 60 से 80 वर्ड्स में लिखना है, नेम एंड प्लेस, ठीक है, व्हाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, शॉप्स के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में लिखना है और कंक्लूजन के बारे में लिखना और योर इम्प्रेशन। ठीक है, अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन पीडीएफ भी चाहिए कि सर आप क्वेश्चन तो बता रहे हो, समझा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सर हम पूरा सॉल्यूशन भी चाहते हैं, तो वो भी मिल जाएगा, बस वीडियो को देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी ग्रामर पे आ जाओगे। ठीक है, ग्रामर आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बींग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या होता है? जो उसकी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता है। अ ब्यूटीफुल टेम्पल, टेम्पल खूबसूरत है, तो यहाँ एडजेक्टिव क्या होगा? ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, यहाँ एडजेक्टिव क्या होगा? ब्यूटीफुल होगा। अगला क्वेश्चन है द स्काई ग्रू डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ वर्ब क्या होगा? ग्रू। ठीक है, यहाँ क्या होगा? ग्रू होगा। कह रहे हैं मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस, चेंज ओन्स इनटू अ नाउन। ओन्स को चेंज करना है नाउन्स में, तो क्या हो जाएगा ओन्स का? ओनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनर। फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, माई शूज आर मेड डैश लेदर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, यहाँ क्या आएगा? ऑफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहे हैं इट इज रेनिंग हैविली, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इट हैज बीन रेनिंग हैविली। ठीक है, ये हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, से ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड में आपको चेंज करना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई आस्क टू अंकित, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आई आस्क अंकित इफ ही न्यू द वे टू द स्टेशन, ये लिख दोगे आप। अगला हो जाएगा द माउस एट द कॉर्न, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका आंसर हो जाएगा द कॉर्न वॉज ईटन बाय द माउस। ठीक, नेक्स्ट पूछा है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वे आर नेसेसरी, कैपिटल लेटर्स, तो यहाँ देखो हमेशा स्टार्ट कैपिटल से होता है, तो ये होगा एच, कैपिटल में हो जाएगा। हाउ डज दिस मशीन वर्क, वर्क के बाद यहाँ पर कॉमा लगेगा, कॉमा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर आस्क द बॉय, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, वी अदर्स एट नॉट लाफ स्कूल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, इसको चेंज करके लिखोगे तो ये हो जाएगा। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा, यहाँ आई आ जाएगा, यहाँ टी लग जाएगा, हाइट। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा। ड्यूरिंग द टूर ऑफ द सिटी प्रिंस सिद्धार्थ सॉ एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ डेड बॉडी, उनका हृदय दुख से भर गया, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, उन्होंने निश्चय किया कि वो लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। ही डिसाइडेड दैट ही वुड फाइंड सम वे टू गेट पीपल आउट ऑफ दिस सोरो, सोरो मतलब दुख। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया, वन नाइट ही लेफ्ट द प्लेस सीक्रेटली, गहन चिंतन के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। आफ्टर डीप कंटेम्पशन ही गॉट द सोल्यूशन एंड ही केम टू बी नोन एज गौतम बुद्ध, ये लिख दोगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं लिटरेचर पोर्शन में। ठीक है, कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ
एक्सक्लेम्ड द मैं, पहले मैंने वही बोला कि क्वेश्चन पढ़ लेना आप, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। इसमें पूछा गया इट डिड नॉट पास क्विकली, व्हाट डज द वर्ड इट रेफर टू। नेक्स्ट, व्हाई वाज लेंचो सैड, व्हाट डिड ही से टू हिज सन्स। अब पढ़ो पैसेज, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पैसेज क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट। पूरा फील्ड जो उसका खेत है पूरा सफ़ेद हो रखा था, जैसे पूरा नमक से घिर भरा पड़ा हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्के के खेत वो सारे बेकार हो गए थे। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है जो मन है वो दुख से भर गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." इस साल हमें कुछ भी नहीं मिला, मतलब कुछ नहीं होगा हमारे पास, खाने को ही कुछ नहीं होगा। कॉर्न से वो बेचते थे, खाते थे ना। तो यहाँ पूछा गया है, It did not pass quickly. What does the mean word it referred to? ये किस चीज़ को रेफर कर रहा था? The word it refers to the hail that destroyed Lancho's crops. Hail को represent कर रहा था, वो जो तूफान था ना उसको represent कर रहा था। Why was Lancho sad? What did he say to his sons? Lancho was sad because his crops were completely destroyed by the hailstorm. He said to his sons, a plague. जो प्लेग होता, प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इसने ये कहा, दिस हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, ये बोला उसने अपने बेटों को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स, हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेंट आउट टू द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच। ये बताना है आपको, व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल वल्ली एज अ मैडम, मैडम क्यों बुला था वल्ली को, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, तीन से चार लाइन में लिखना आपको आंसर। व्हाट प्रमोटेड एनी फ्रेंड टू कीप अ डायरी, ठीक है, व्हाट नेम डिड शी गिव टू इट। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू द वर्ड्स पैडर एंड कबाली स्टैंड फॉर द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा, या व्हाट इज द कुर्क फेमस फॉर, कुर्क फेमस क्यों है, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैन रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये आपको पढ़ना है और इस पर ये जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको बताने हैं। देयर इन अ लैंग्वेट इमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इन मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ठीक है, इसे आपने पढ़ा और इसका अब आपको आंसर देना है इन क्वेश्चनों को पढ़ के, या फिर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है डस्ट ऑफ स्नो या फिर एनिमल्स में किसी एक का। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है पढ़ा होगा आपने, डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटिफुल पोएम कंपोज बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा था। इन दिस पोएम द पोएट स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, द पोएट इज होपलेस, सडनली अ क्रो शेक्स डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम विच चेंजेस द मूड ऑफ द पोएट एंड ही बिकम हैप्पी। एनिमल्स के बारे में लिख दो, एनिमल्स इज अ ब्यूटिफुल पोएम कंपोज बाई वॉल्ट व्हाइटमन, ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ह्यूमंस हैव लॉस्ट देयर नेचुरल वर्चुअस वाइल एनिमल्स स्टिल हैव देम, इसके बारे में आपको लिख देना है। या फिर राइट फोर लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन द योर टेक्स्ट बुक, डो नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, आपको चार लाइन की पोएम लिखनी है जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हुआ हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंसर एनी टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन व्हाई डिड ही चूज टू गो बैक अनिल इन द एंड, इसका आंसर देना। देखो, हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दो हरी सिंह हैड स्टोलन इन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, स्टिल ही चूज टू गो बैक अनिल इन द एंड, बिकॉज
He aspired to become a respectable and honest person by learning how to read and write. ठीक है, ये चीज़ आप लिख दोगे. अगला क्वेश्चन पूछा गया, Who was Griffin? What had he discovered? Griffin कौन था? Griffin was a brilliant scientist, but he was lawless person. He discovered how to make himself invisible. वो अपने आप को गायब कर सकता था. Why did Bholi at first agree to unequal match? Why did she later reject the marriage? उसने पहले हाँ क्यों कर दिया था मैरिज को लेकर, और बाद में उसने फिर मना क्यों कर दिया? At first, Bholi agreed to marry with a unequal marriage match because she neither had good look, वो अच्छी दिखती नहीं थी, और nor intelligence, so her father was worried about her marriage. वो ना तो चतुर थी, ना चालाक थी, ना अच्छी दिखती थी. She rejected the marriage because her groom December demanded dowry. उसके जो होने वाले हस्बैंड थे उसने दहेज की डिमांड कर दी थी और 5,000 rupees, इसलिए उसने मना कर दिया. दहेज मांगा था, शादी से मना कर दिया. सही किया कि नहीं? बिल्कुल सही किया. आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 words. मिसेस परमफरी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन. राइट द रीजन्स इन डिटेल. ठीक है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा लोइजेस. मटिल्डा के पर आ जाता है, लेंचो पर आ जाता है, मंडेला जी पे आ जाता है, या फिर पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ट्रू और फॉल्स बताना है. ठीक है, मोनार्च इज अ काइंड ऑफ बटरफ्लाई. सही है, सही है. एट द एंड ग्रिफिन वॉज कॉट बाय द कॉन्स्टेबल. ये गलत है. सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. ठीक है, ये आपको बताना है. इनकरेज अब्राइट हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. हिज फादर, हिज मदर, हिज फ्रेंड्स, हिज टीचर. तो किसने इंटरेस्ट डाला था उसके में? तो इंटरेस्ट डाला था उसके माँ ने, हिज मदर. तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयारी करनी चाहिए. जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो भी मैं कल करा दूंगा, टेंशन मत लो. और अगर आप चाहते हो कि सर इस तरीके के डेली 4-5 मॉडल पेपर आप सॉल्व करा दो लगातार 2-3 दिन, तो वो भी मैं करा दूंगा. बस इस वीडियो पे अपना भरपूर प्यार दीजिए. और इसका अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको इसका फुल PDF भी दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट. बस मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होगा. वीडियो को शेयर करोगे हर जगह और कमेंट ज़रूर कर देना, फिर ही आपको मिलेगा.